हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 9, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, स्ट्रेटजी एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये हमारा चैप्टर का नाम है और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, इस चैप्टर में है क्या। ओवरऑल मैं एक बार आपको बता दूँ कि फूड प्रोडक्शन बहुत बड़ी नेसेसिटी है, क्योंकि हमें खाने के लिए एनिमल फूड भी चाहिए, प्लांट फूड भी चाहिए। तो जैसे प्लांटेशन ज़रूरी है फूड के लिए, ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री भी उतना ही ज़रूरी है। और भी कई टेक्निक्स हुई हैं, जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक है, उस बारे में भी बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री भी एक तरह से एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। ओके, जैसे किसान खेती करता है, साथ में क्या करता है, गाय भी पालता है ना। कुछ किसान भैंस, काउ, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, गोट्स, ये सब फार्मिंग आती है। फिशरी भी करता है। ओके, मछली पालन भी करता है। और उसमें आप देखोगे गोवा है या जहाँ भी बीचेस हैं, उसके साइड में क्या होता है, फिशरीज होती है, जाल बिछा के फिशेस पकड़ी जाती हैं और फिर उनको बेचा जाता है। तो कई एनिमल्स हैं, जैसे मधुमक्खियों को पकड़ा जाता है शहद के लिए, सिल्क फॉर्म को सिल्क की साड़ी के लिए, प्रॉन्स खाया जाता है समुद्री किनारे, जो लोग हैं वो प्रॉन्स और क्रैब्स, फिशेस बहुत लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, तो इसको पकड़ के बेचा जाता है। कुछ लोग बर्ड्स, पिग्स, कैटल, इन सब का मीट खाते हैं। तो किस लिए यूज़ किया जाता है, मिल्क के लिए, दूध के लिए, अंडे के लिए, मीट के लिए, ऊन के लिए, जो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो ना। शीप चाहिए हमें क्या, वूलन्स के लिए, स्वेटर बनाने के लिए, सिल्क की साड़ीज के लिए सिल्क, हनी हमें खाने में चाहिए। तो जो हमने ये एस्टिमेट किया कि 70% जो जनसंख्या इंडिया और चाइना की, वो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। ओके, ये भी सरप्राइज है नोट करने के कि कंट्रीब्यूशन जो फार्म प्रोड्यूस करता है वो खाली 25% है। तो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट जो है वो बहुत कम है। तो कन्वेंशनल प्रैक्टिस तो होती है एनिमल ब्रीडिंग की, साथ में अब नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है। भाई खेती बाड़ी करेंगे, साथ में पशुपालन करेंगे, तो नई टेक्निक्स क्या आई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैनेजमेंट है फार्म का और फार्म एनिमल्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो प्रोफेशनल अप्रोच की गई है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हुई है फार्म मैनेजमेंट की, जिसमें फूड प्रोडक्शन बढ़ता है। ओके, जो कि वेरियस एनिमल और फार्म सिस्टम में बढ़ता है। तो सबसे पहले आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरिंग जो होता है वो मैनेजमेंट है एनिमल्स का मिल्क के लिए, फिर उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ऐसे जैसे अमूल डेयरी है, ये लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है मिल्क का, फिर पनीर, लस्सी, आइसक्रीम्स, कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ओके, तो काउ मेनली उसमें यूज़ किया जाता है। और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गोट मिल्क है यूज़ किया जाता है। ओके, कई चीज़ों में तो डेयरी फार्मिंग की जाती है। कई बारी जो पेशेंट्स हैं उनको गोट मिल्क के लिए बोलते हैं डॉक्टर, तो गोट फार्मिंग भी की जाती है। तो डिपेंड करता है कि क्या प्रोसीजर है या क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बीमारियाँ, उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्शन होता है और ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में। जैसे डिमांड होगी देखो वैसी सप्लाई होगी। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट हम डील करते हैं प्रोसेस और सिस्टम को, जिससे कि यील्ड इंक्रीज हो और मिल्क की क्वालिटी बढ़े। जैसे जर्सी काऊ है, नई तरह की ब्रीड्स हैं काऊ की आती हैं, जिससे उनका जो चारा जो है, जो फूड है या फॉडर है, वो अच्छी क्वालिटी का दिया जाए, जिससे कि उनकी क्वालिटी जो है, उनका हाई यील्डिंग प्रोडक्शन हो और गुड ब्रीड हो, और साथ में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो मिल्क का भी साथ में। ओके, तो गुड ब्रीड्स होती हैं जिसकी हाई यील्डिंग पोटेंशियल होती है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन में डिपेंड करता है। साथ में रेजिस्टेंस टू डिजीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि बीमार नहीं पड़े काऊ, तो उसको प्रॉपर इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो, उसके लिए इंजेक्शंस लगते हैं। ओके, तो वेल लुक आफ्टर चाहिए, अच्छे उसके पास एक अच्छा शेड होना चाहिए, अच्छे से पानी और डिजीज़ फ्री, साफ़ सुथरा रहे। ओके, जो एनिमल है जिसको आप पाल रहे हैं, कैटल जो है साइंटिफिक मैनर में उसको पाला जाता है,
अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का फॉडर दिया जाता है, साथ में क्लीनलीनेस और हाइजीन का ध्यान रखा, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, जो हैंडल कर रहे हैं उनके भी हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, चाहे मिल्क चाहे मिल्किंग के लिए, चाहे उसको स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हमने कई प्रोसेस हैं जो मैकेनाइज किए हैं जो रिड्यूस करते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ना मशीनों से भी दूध निकाला जाता है, ओके, जिसके कारण जितना क्लीन इन्वायरमेंट मिल सकता है मिल सके, और प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, कैसा खाना आ रहा है, तो बहुत साइंटिफिकली आजकल प्रोसेस होने लग गया है, ओके। तो इस कारण क्या होता है, जैसे ही मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ या कोई बीमारी आई तो तुरंत आप रोज़ केयर करोगे तो तुरंत पता लग जाता है, पकड़ में आ जाता है कि यहाँ कोई ये बीमारी फैल गई है कैटल में, तो उसको तुरंत वेटनरी डॉक्टर के रेगुलर विजिट से पता लगता जाता है और साथ ही साथ इलाज होता है, तो उसके कारण जो प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ता है, और अच्छा और हाइजेनिक मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स या जो भी प्रोडक्शन है पर्टिकुलर एनिमल का वो सबको मिल पाता है, ओके। तो हम एक क्वेश्चन ईयर भी पता कर लग सकते हैं जिसमें हम डेयरी फार्म में विजिट करें और पता लगाएं कि ये सब मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट होता है, तो पोल्ट्री में क्या करते हैं, मुर्गी पालन केंद्र जिसको बोलते हैं, डोमेस्टिकेटेड जो बर्ड होती हैं उनको पाला जाता है एग्स के लिए और मीट के लिए, चिकन के लिए, डक्स के लिए जो लोग खाते हैं, टर्की का, गीज का, तो वर्ड पोल्ट्री रिफ़र किया जाता है खाली मीट इन बर्ड्स के लिए, पर जनरल सेंस में ये बाकी बर्ड्स का भी मीट इसमें इंक्लूड होता है, डक का भी इंक्लूड होता है, गीज का भी, टर्की का भी। तो जो डेयरी फार्मिंग है उसमें सिलेक्शन होता है कि जो डिज़ीज़ फ्री है उन्हीं को लिया जाए, सही ब्रीड वाले को लिया जाए, जो कंडीशंस हैं वहाँ पोल्ट्री की वो प्रॉपर होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर फीड और पानी मिलना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए, और पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट अच्छे से किया जाना चाहिए, ओके। तो आपने टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि जैसे बर्ड फ्लू फैला, ओके, इस कारण क्या हो गया कि चिकन कंजम्पशन और एग कंजम्पशन पे तुरंत लोगों ने रोक लगा दी, गवर्नमेंट ने भी रोक लगा दी कि बर्ड फ्लू फैल गया तो कोई भी कंज्यूम करेगा वो भी बीमार पड़ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आजकल अवेयरनेस रहती है। अब है एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल जो हस्बेंड्री है बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट एस्पेक्ट है। एनिमल ब्रीडिंग एम करता है कैसे यील्ड को इनक्रीज़ किया जाए और डिज़ायरेबल क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए उसको, ओके। तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो डिसेंट और सिमिलर करेक्टर्स के हैं, जैसे जनरल अपीरियंस में, फीचर्स में, कॉन्फ़िगरेशन में, ओके, तो उनको बोलेंगे ये पर्टिकुलर ब्रीड का है ना, चाहे मुर्गा है चाहे गाय है, कि अच्छा ये है, ये जर्सी ब्रीड की गाय है, ये इस ब्रीड का हैन है या कॉक है, इस तरह से उसको पता लगता है, जिनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स और सेम ब्रीड में करते हैं तो उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग, ओके। जैसे कई बार आउट ब्रीडिंग कराई जाती है, जैसे क्रॉस कराया जाता है जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है करता है उसके साथ क्रॉस कराया जाता है देसी जो गाय है उसको, जिसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, ओके, जिससे नेक्स्ट जनरेशन और सूटेबल बने और जो कि अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हो, इसके लिए क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि मेटिंग क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल में जो कि काफ़ी कुछ सिमिलर है फीचर्स में, अपीयरेंस में, और इवन उनके जो प्रोडक्शन है उसमें भी, तो उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। मेटिंग होती है रिलेटेड इंडिविजुअल में ही मेटिंग होती है सेम ब्रीड के चार और छः जनरेशन, उसको इन ब्रीडिंग बोलते हैं। जो ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी है इसमें क्या होता है, सुपीरियर मेल्स जो होती हैं, अच्छे मेल्स जो कि मीट के से या मिल्क प्रोडक्शन को लेके सुपीरियर हैं, विद सुपीरियर फीमेल्स के साथ ब्रीड कराया जाता है और पेयर्स में मेटिंग की जाती है, और जो इस मीटिंग से आता है सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स आते हैं, तो सुपीरियर फीमेल जो होता है उसमें इन कैटल में क्या होता है, काऊ और बफेलो जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, किसके साथ क्रॉस है, सुपीरियर मेल जो होता है बिल
बुल उसके साथ कराया जाता है कैटल का, ओके, जिससे सुपीरियर प्रोजेनी मिले, ओके। ऐसे ही आप कई होमोजाइगस गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, ऐसे ही कहीं आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, आप कलेक्ट कर सकते हो। डेवलप बाय मेंडल में हमने पढ़ा था, जो हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था चैप्टर 5 में, होमोजाइगस डेवलप हुई तो सिमिलर स्ट्रेटजी यूज़ की गई इन कैटल, यूज इन पीज। इन ब्रीडिंग इंक्रीज से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इन ब्रीडिंग नेसेसरी है अगर हम प्योर लाइन में उसी तरह के ही एनिमल का, हमें लगता है ये इन ब्रीडिंग से सुपीरियर प्रोडक्शन हो रहा है, मीट, मिल्क, एग या जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इन ब्रीडिंग हो जाएगा। इन ब्रीडिंग से क्या होता है, हार्मफुल रिसेसिव जीन एक्सपोज होते हैं। तो हमें ये पता लगता है कि हर जनरेशन में अगर इन ब्रीडिंग करा रहे हैं, उन्हीं जनरेशन के बीच में मेटिंग करा रहे हैं, तो कुछ एक करेक्टर जो कि इन्फीरियर है वो सब में आता जा रहा है। तो इस कारण क्या होता है, सुपीरियर जीन्स भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अगर उस जनरेशन में सारे इन ब्रीडिंग में सुपीरियर जीन्स हैं, तो सुपीरियर जीन्स से भी रिसीव हो जाते हैं और जो इन्फीरियर हैं वो एलिमिनेट किए जाते हैं सेलेक्शन से। तो इसमें हम लेस डिज़ायरेबल जीन्स को हम वो कर सकते हैं, लेस डिज़ायरेबल एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन होता है हर स्टेप में, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। कंटिन्यू इनब्रीडिंग में होता है, क्लोज इनब्रीडिंग होती है और उससे क्या होता है, फर्टिलिटी रिड्यूस होने लग जाती, कम होने लग जाती है, इवन प्रोडक्टिविटी रहती है। अगर हम आउटब्रीडिंग नहीं करते हैं, सेम ही जनरेशन में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, मेटिंग कराते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, शुरू में तो ठीक है सुपीरियर आते हैं, पर कुछ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स भी उसके साथ आ जाते हैं। और क्लोज इनब्रीडिंग से रिड्यूस, कंटिन्यूस इनब्रीडिंग से क्या होता है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी कम होने लग जाती है। इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है। होमोजाइगोसिटी का मतलब है एक जैसे हमेशा करेक्टर आते हैं, उससे हार्मफुल रिसेसिव जीन्स एक्सपोज होते हैं और एलिमिनेट किए जाते हैं सेलेक्शन से, और एक्यूमुलेट होता है, सुपीरियर जीन्स भी होते हैं और लेस डिज़ायरेबल को हटाते जाते हैं, पर बार बार वो रिपीट होते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ पाता कि और भी कुछ सुपीरियर करेक्टर इसमें हम आना चाहिए, या कोई बीमारी है वो अगर उसी में इनब्रीडिंग कराएंगे तो हेरिडिटी में आती चली जाएगी। तो जब इस तरह की इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लग जाता है, फर्टिलिटी रिड्यूस होने लग जाती है, इवन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो जब ये प्रॉब्लम होती है तो सेलेक्टेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी आउटब्रीडिंग कराई जाती है, शुड बी मेटेड विद एन विद अनरिलेटेड, जो रिलेट नहीं करता ऐसे सुपीरियर एनिमल से मेटिंग करानी पड़ती, इस तब जाके फर्टिलिटी और यील्ड रीस्टोर होती है, जिसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, जो 4-6 जनरेशन से बिटवीन ब्रीडर ऑफ सेम ब्रीड बट हैव नो कॉमन एनसेस्टर्स, है ना, पुरानी कोई पीढ़ी आपस में कॉमन नहीं है 4-6 जनरेशन में, उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग या आउट ब्रीडिंग, या क्रॉस ब्रीडिंग भी बोलते हैं, डिफरेंट ब्रीड के बीच में होती है या डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में बोलती है, उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ओके। तो जो अनरिलेटेड के बीच में होती है तो बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, और आउट क्रॉसिंग किसको बोलते हैं, जिसमें मीटिंग होती है विद इन द सेम ब्रीड पर उसमें कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, इसमें सेम ब्रीड होती, कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं, दोनों तरफ से 4-6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं। आउट ब्रीडिंग में भी क्या होता है, ब्रीडिंग अनरिलेटेड एनिमल्स में होती है और इंडिविजुअल्स जो होते हैं सेम ब्रीड के होते हैं पर कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं, ओके। तो इसमें भी प्रैक्टिस होती है मेटिंग एनिमल्स की, सेम ब्रीड की, नो कॉमन एंसेस्टर,
ऑफस्प्रिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको आउट क्रॉस बोलते हैं। ये बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है एनिमल्स का, और इनकी बिलो एवरेज होती है प्रोडक्टिविटी मिल्क प्रोडक्शन में, ग्रोथ रेट है, बीफ है, कैटल का जो मीट होता है। तो सिंगल आउट क्रॉस से हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ओके, आउट ब्रीडिंग से आ सकते हैं, जिसमें आउट ब्रीडिंग होती है ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। ओके, और आउट क्रॉसिंग भी हो सकती है, मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद द सेम ब्रीड होता है पर कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होता है। और डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकती है, 4-6 जनरेशन में हो सकती है, और डिफरेंट ब्रीड, जब डिफरेंट ब्रीड में होती है तो उसे बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें सुपीरियर मेल होता है एक ब्रीड का, मेट होता है सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। तो क्रॉस ब्रीडिंग से डिज़ायरेबल क्वालिटी आती है दो डिफरेंट ब्रीड्स की। तो प्रोजेनी हाइब्रिड जो होती है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सेलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड्स होती हैं जो कि सुपीरियर होती हैं और एग्जिस्टिंग ब्रीड होती हैं। कई नए एनिमल्स की ब्रीड होती हैं जो डेवलप हुई हैं इस ब्रीड से, जैसे जार्डेल है, न्यू ब्रीड है शीप की, पंजाब में डेवलप हुई, बाय किसको क्रॉस कराया, बीकानेरी यूज और मेरीनो रैम से। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया क्रॉस ब्रीडिंग का, जिसमें सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। आउट क्रॉसिंग में ब्रीड सेम रहेगी पर कॉमन एंसेस्टर्स नहीं रहेंगे। ओके, हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4-6 जनरेशन। आउट ब्रीडिंग जो होती है अनरिलेटेड एनिमल में होती है, क्रॉस ब्रीडिंग सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड और सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है मेल और फीमेल एनिमल्स में दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ होते हैं वो उनकी मेटिंग कराई जाती है। प्रोजेनी जो है कई डिज़ायरेबल फीचर्स होते हैं दोनों पेरेंट्स के, कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ओके, म्यूल जिसको कि खच्चर बोलते हैं। ओके, डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ की जब मेटिंग कराई जाती है। ओके, तो इसमें डिज़ायरेबल फीचर्स होते हैं दोनों पेरेंट्स के इसके अंदर। ओके, तो इंट्रोस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल है म्यूल का। ओके, म्यूल क्या है, डोमेस्टिक इक्वाइन हाइब्रिड बिटवीन डंकी एंड हॉर्स। ओके, ये हाइब्रिड है डंकी एंड हॉर्स, मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के क्रॉस से क्या बनेगा, म्यूल। ओके, तो ये इंट्रोस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। म्यूल्स में कंबाइन करेक्टरिस्टिक होते हैं हॉर्स के भी और डंकी के भी, और ये बहुत टफ और रेजिलेंट वर्किंग एनिमल होता है, और मेल हॉर्स और फीमेल डंकी बहुत रेयर होते हैं। ओके, अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जाएंगे तो आप देखेंगे म्यूल बहुत मिलेंगे आपको, खच्चर जो कि वहाँ पर कुछ भी बन रहा है उसके लिए ईंटेड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो वर्क करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है म्यूल का। तो आज जो हमने पढ़ा इसमें इंट्रोडक्शन में, आज हमने क्या क्या इसमें कवर किया, स्ट्रेटजी पढ़ी, इन स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा फार्म और फार्म एनिमल्स का कैसे किया जाता है, एनिमल ब्रीडिंग कैसे की जाती है। अब नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत क्लियर हो जाएगा ये भी, चैप्टर भी बहुत अच्छा है। तो आई होप जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छा है, आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट ऑल्सो
ओके, थैंक यू।